हेलो एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी फूडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाजरे की खिचड़ी। इसको मैंने इस तरीके से बनाया है कि ये सर्दियों में आपको बैठे बैठे ही यानी बिना एक्सरसाइज किए ही आपको पतला कर देगी। अगर आपकी शुगर बढ़ चुकी है तो उसको मेंटेन कर देगी। आपका ये रेसिपी हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर देगी। अगर आप एनेमिक हैं यानी आपके अंदर ब्लड की कमी है तो ये रेसिपी अगर आपने ट्राई की तो आपके अंदर ब्लड की कमी कभी भी नहीं होगी। इस रेसिपी को मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है कि आपके घर के सारे फैमिली मेंबर्स इवन बच्चे वो भी इसको बहुत ही अच्छे से इंजॉय करेंगे। ये बाजरे की खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बाजरे की खिचड़ी बनाना। बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए हमने एक बड़ी कटोरी भर करके बाजरा लिया है और उसको हमने रात भर भिगो करके ले लिया है। अगर वेट में देखा जाए तो ये लगभग 300 ग्राम बाजरा है हमारा। के साथ हमने ये मूंग की दाल ली है, आधी कटोरी दाल ली है। इसको हमने रात में नहीं भिगोया था, इसको हमने अभी आधे घंटे पहले ही भिगो करके लिया है। इसका वेट होगा लगभग 100 ग्राम। सबसे पहले हम बाजरे को एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल करके इसमें इसको हमें दरदरा पीस लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। बस दो राउंड या तीन राउंड ही आपको इसको मिक्सी में चलाना है। थोड़ा पानी भी ऐड कर लें इसमें। ये देखिए, इस तरीके से दरदरा बाजरा हमारा पीस चुका है। इसी तरीके से हम बाकी बचा हुआ भी बाजरा इसी तरीके से पीस लेंगे। ये देखिए, बाजरे को हमने इस तरीके से दरदरा ग्राइंड कर लिया है। दाल को हमें ऐसे ही साबुत रखना है। अब इस तहरी को बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं, उसमें हमने पत्ता गोभी लिया है, कुछ मटर के दाने हैं, एक शिमला मिर्च चॉप करके ले लिया है, गाजर और गोभी, टमाटर 4 से 5 टमाटर लिए हैं हमने, लगभग 2 मीडियम साइज प्याज हमने कट करके लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 इंच से ज़्यादा हमने अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके लिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, उसमें हमने देसी घी डाल दिया है लगभग 1 टेबल स्पून भर करके, और हम इसमें हम डाल देंगे ये साबुत जीरा। जीरे को क्रैकल होने देंगे। इसके बाद जो हमने मूंग की दाल ली है उसको इसी में डाल देंगे। दाल को थोड़ा सा चला लें ताकि नीचे लगे नहीं। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून भर करके हल्दी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम बाजरा डाल देंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाजरे को हमने अच्छे से 5 मिनट तक लगभग इसको फ्राई कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है इससे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जितना हमने बाजरा लिया है उससे 5 गुना पानी डालें, नहीं तो बाजरा हमारा जल जाएगा। तो इसी कटोरी के नाप हमने बाजरा लिया था, तो इसी के नाप हम पानी डाल रहे हैं। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इसको नीचे से अच्छे से चला देंगे ताकि नीचे तले में लग ना रहा हो। तरीके से इसको कवर कर दें और लगभग 5 से 6 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। जब तक बाजरा हमारा कुक हो रहा है तब तक हम अपनी सब्जियों को भी तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब हम उसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून भर करके जीरा, 2 तेज़पत्ते डाल देंगे। तेज़पत्ते से जो हमारी ये बाजरे की खिचड़ी या तहरी जो भी आप बोलें बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। 1/2 टीस्पून हींग, अब ये क्रश किया हुआ अदरक और हरी मिर्च, थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे ये चॉप किया हुआ प्याज, इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट ही हमने इसको पकाया है। इसके बाद हम इसमें ये रफली चॉप टमाटोज डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद तुरंत हम इसमें डाल देंगे ये सादा नमक स्वादानुसार, ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाए।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले हमने हल्दी नहीं डाली थी, नहीं तो जल जाती। अब इसके साथ अच्छे से हल्दी और मसाले सारे पक जाएंगे टमाटर के साथ। मसाले हमारे पक चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे मटर, शिमला मिर्च, गोभी, पत्ता गोभी और ये गाजर। अब इन सारी सब्जियों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। सारी सब्जियों को डालने के बाद हमने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सब्जियों में खुद का अपना पानी होता है, उसी से सारी सब्जियां ये पक जाएंगी। अब इनको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये सब्जियां हमारी सॉफ्ट। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। देखिए बाजरा भी हमारा अच्छे से प्रेशर कुक हो चुका है। इस तरीके से चलाकर देख लेंगे। अगर आपकी तहरी इस समय पतली ना हो, टाइट हो गई हो, तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मेरी जो पानी की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल सही है। ये देखिए कितनी अच्छी इस तरीके से पक चुकी है। अब इसमें जो हमने सब्जियां ये कुक करके रखी हैं उनको डाल देंगे। को इसमें मिक्स कर देंगे और कुछ बारीक हरी मिर्च हमने काट करके ले ली है, इसके ऊपर से डाल देंगे। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, कच्ची वाली जो हरी मिर्च इसमें हम डालते हैं इस तरीके से। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर इसका और ज्यादा जायका बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे। अब हरा धनिया डाल करके इसको इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारी जो तहरी है सर्व करने को तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर और कलर आया है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। इसी तरीके की तहरी जो ये बनती है बाजरे की, अच्छी लगती है। कहीं कहीं इसको बाजरे की खिचड़ी भी बोलते हैं। ये देखिए वाव, ये देखिए हमारी कितनी अच्छी बाजरे की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे देसी घी के साथ और इसको गार्निश करने के लिए हम इसमें लगा देंगे एक ये धनिया का पत्ता। ये देखिए बहुत ही अच्छी बाजरे की खिचड़ी बनकर के तैयार हो चुकी है। मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इस बाजरे की खिचड़ी को हम इंजॉय करेंगे। ये जो मैंने आंवले की दर्रा चटनी बनाई है ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी रेसिपी मेरी आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। आप इसके साथ कोई भी चटनी एंजॉय कर सकते हैं। मैंने चटनी की वीडियोस बनाई हैं, उसमें से कोई भी चटनी आप इसके साथ एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको।